श्रद्धा हत्याकांड, जिसकी दर्दनाक यादें अभी आपके और हमारे जहन से भी नहीं मिटी थी। इसी बीच लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जिसमें लोग अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को श्रद्धा हत्याकांड के नाम पर धमका रहे हैं। और ताजा मामला मेरठ का है, जहां पर लड़का पहले अपना नाम बदलता है, खुद को हिंदू बताता है, लड़की के साथ संबंध बनाता है, 2 साल तक ये सिलसिला चलता है और आखिरकार जब सच सामने आता है उसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी प्रेमिका को श्रद्धा हत्याकांड जैसी धमकी देता है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गौरांशु, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज मेरठ की, जहां पर एक लड़की जो कि इस बात से अनजान रहती है कि उसका प्रेमी असल में वो नहीं है जिसे वो समझ रही है। लड़का हिंदू बताकर, जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है, उससे दोस्ती करता है। दोस्ती करने के बाद में दोनों के बीच प्यार पनपता है और जब प्यार होता है तो दोनों के बीच में बनते हैं संबंध। हालांकि 2 साल तक लड़का इस तरीके से, जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है, उसके साथ संबंध बनाता है और आखिरकार जब लड़की को सच्चाई पता चलती है तो वो उसे श्रद्धा हत्याकांड जैसी धमकी देता है। इतना ही नहीं, लड़की का तो ये भी आरोप है कि उसने उस लड़की का 2 से 3 बार गर्भपात भी कराया है और इसके साथ साथ उससे कई लाख रुपए भी ऐंठ लिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में शुक्रवार को एक लड़की ने SSP ऑफिस पहुंचकर एक लड़के पर सनसनीखेज आरोप लगा दिया। लड़की का आरोप है कि लड़के ने अपना नाम हिंदू बताकर उसे प्रेम जाल में फंसाया और अब दिल्ली में हुए श्रद्धा हत्याकांड जैसा हाल करने की धमकी दे रहा है। दरअसल मेरठ के पल्लवपुरम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की SSP ऑफिस पहुंचती है। लड़की बताती है कि दोनों के बीच में 2 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा है और अब लड़की को पता चला है कि लड़के ने अपना असली धर्म छुपाकर उससे दोस्ती की। लड़की ने विरोध किया तो आरोपी युवक ने श्रद्धा जैसा हाल करने की धमकी दी है। लड़की का आरोप है कि आरोपी शादी का झांसा देकर उससे लगातार 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा, जिसके बाद लड़की ने शादी की बात कही तो वो गायब हो गया। लड़की ने, जो आरोपी है उसका नाम मुजमिल है, उसके बारे में क्या कुछ कहा, क्या पूरी कहानी, आप खुद लड़की की जुबानी सुनिए। सर, मैं आई हूँ कि एक लड़का मुझे 2 साल से मेरे रिलेशन में है, उसने हिंदू बता के मेरे से दोस्ती की, टिंकू और सेवम नाम बताया उसने अपना और मैंने उसकी जाट पड़ताल की। अब तो वो मोमडन निकला, उसका नाम मुजम्मिल है। फिर उसके बाद सर वो मेरे से पैसे ले जाते रहा, मैंने कम से कम 8-9 लाख रुपए उसे दे रखा है, 2.5 लाख की बाइक दिला रखी, फोन दिला रखा है, आईफोन। और सर उस वो टेम्पू चलाता है, मुझे ये सब कुछ भी नहीं पता था। उसने मेरे को, अगर मैंने उससे बात नहीं की थी तो उसने मुझे धमकी दी थी और अब फिर कहने लगा मैं तुझसे शादी करूंगा। और मैंने उसको कहा तो शादी के लिए, वो कहने लगा कि जैसे श्रद्धा का हाल हुआ है ना दिल्ली में, वो हाल मैं तेरा करूंगा। कैसे संपर्क में आया था आपको? जी, वो मेरी दुकान पे आता जाता था। तुम्हारी कहीं की दुकान? जी, मेरी बुटीक है। बुटीक? हाँ जी। तो क्या बताया उसने, कैसे? उसने मतलब, मैंने उससे मना किया था, मैं तुझसे बात नहीं कर सकती बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक नहीं कर सकती, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। उसने मुझे धमकी दी, अगर तूने मुझसे बात नहीं करी तो तुझे जान से मार दूंगा। सर कब आया था आपके? 2 साल हो गए सर। शादी कर ली थी आपसे? नहीं। कितने पैसे ले रखे अब तक? उसने अब तक सर 8-9 लाख रुपए ले रखे हैं मेरे से। अब इनसे मिली है, क्या कहा? SSP साहब ने कहा है कि उसको सजा दी जाएगी। जी, आपको शक कैसे हुआ? शक इससे हुआ है सर मुझे, मैं उसके यहाँ पर गई थी, वो वहाँ पे नहीं था, तो मैं उसके वहाँ पर जांच पड़ताल निकालने गई थी तो पता चला कि वो तो मोमडन है। आप उसके घर पे गई थी? हाँ, उसकी गली मोहल्ले में पता गई थी मैंने, वो डबल स्टोरी मोदीपुरम। वही, इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो पक्ष भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए आप। एक थाना पल्लवपुरम क्षेत्र के अंतर्गत एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें एक महिला ने गैर समुदाय के लड़के के खिलाफ आरोप लगाए हैं। इस संबंध में उसका प्रार्थना पत्र ले लिया गया है, इसमें जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जांच करके इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लड़की जो आरोप लगा रही है वो बहुत ज्यादा गंभीर है। यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरीके की खबरें हम आपके बीच में रखते रहेंगे, जहां पर लड़का अपना नाम बदलकर, अपना नाम छुपाकर किसी लड़की से दोस्ती करता है, प्यार के जाल में फंसाता है और आखिरकार उसे संबंध बनाकर उसे छोड़ देता है। और अब श्रद्धा हत्याकांड जैसी धमकी वाकई डराने वाली है। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की धमकी देने की घटनाएं सामने आ रही हैं वो खौफनाक है। सवाल ये उठता है कि अगर लड़की जो आरोप लगा रही है ये वाकई सच है तो ऐसे में कब तक न जाने कितनी लड़कियां इस तरीके से इस जाल में फंसती रहेंगी, उसका शिकार बनती रहेंगी। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल आज इतना ही, कल फिर से हाजिर होंगे क्राइम की एक बड़ी खबर के साथ। फिलहाल तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी घटना है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट करिएगा, हम उसकी तह तक जाएंगे और उसे खबर के तौर तक आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।